मुश्किल वक्त कमांडो सक, मुश्किल वक्त कमांडो सक। पिंकी भाई कितना तेज दौड़ा रहे हो यार। अरे शिनचैन तू तो बोलता है तू कासुका में डिफेंस ग्रुप का मेंबर है। पिंकी भाई देखो चौप तो गिर गया। आओ पिंकी भाई कितने सारे पत्थर है मेरे सर दौड़ा जा रहा। अबे चौप तू तो कुत्ता है तुझे तो दौड़ना चाहिए। चलो गाइस जल्दी जल्दी दौड़ के चलते। यहाँ पे देखो यार मैं शिनचैन और चौप यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए। इसके लिए हम ये वाला लॉस सैंटोस का पहाड़ चढ़ गया है। एक सेकंड गाइस ये क्या हो रहा है। अरे मारो मारो ये ब्लैक दत्तू हल्क को मारो, इन लोगों के कारण लॉस सैंटोस में है ना शांति होती। ओए पुत्र जी मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो अच्छा हूँ यार, मैं तो लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करता हूँ। अरे नहीं मारो मारो इनको मारो यार, मेरे को खबर मिली है कि ये लोग सब मिलके लॉस सैंटोस में एक जायंट ब्लैक हल्क जिला बना रहे, उसे लॉस सैंटोस पे कब्जा करना चाहता है। ओए मैं उसको रोकने के लिए तो यहाँ पे कुछ खबर पता करने आया था, तुम लोग तो मुझे ही मारने लगे। मारो मारो इनको मारो, ये बहुत बुरे है। अरे शिनचैन चॉप ये क्या हो रहा है, पिंकी भाई ब्लैक दत्तू हल्क की पिटाई लगा रहे यहाँ पे। अरे पर दत्तू हल्क यार सामने डिफेंड क्यों नहीं कर खुद को। पिंकी भाई इंसानों को नहीं मारते ना ब्लैक दत्तू हल्क को अच्छे। अरे दत्तू हल्क को छोड़ दो गाइस, ये देखो दत्तू हल्क तो है ना खुद को नहीं बचा रहे, मैं उनको बचाऊंगा। ओए हट अंक यहाँ से हट जा। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो तुम, इसकी मदद क्यों कर रहे हो। हाय फ्रैंकलिन पुत्र तू। अरे हाँ दत्तू हल्क रुको रुको मैं आपको बचाता हूँ। अरे ये हमको मार रहा है, हम तो इसको दत्तू हल्क को मारेंगे। अरे तुम दत्तू हल्क को मारोगे, रुक जाओ ये ले और ये ले नीचे खड़ा रहे तेरी सी। पिंकी भाई मैं भी मारूंगा। अरे हाँ तू भी मारिए गाइस, देखो क्या अपर कट मारिए इसको। ए आंटी चलना नीचे लेटना यार यहाँ पे। हाय पुत्र जी क्यों मार रहे हो बेचारे लोगों को। अरे मेरे को लड़ाई करेगी ये ले मेन पॉइंट पे हमला का। अरे बाबा रे मार दिया। अरे दद्दूल खड़े हो जाओ यार, क्या हो गया मुझे बताओ तो सारी पूरी बात। आए पत्थर जी क्या बताओ यार, यहाँ पे देखो यार मुझे खबर मिली है कि लॉस सैंटोस में एक ब्लैक हल्क जिला का किसी ने सूट बनाया है। इसके लिए मैं उसकी खबर पता करने के लिए ये वाले पहाड़ पर आया था और इन लोगों ने मुझे लपेट लिया। यार थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैंने तो यार वो लिया हुआ कि मैं इंसानों पे हाथ नहीं उठा सकता। अरे बाबा रे अभी भी बहुत लग रही है। अरे दद्दू हल्क पर हुआ क्या यार, कहाँ पे ब्लैक हल्क जिला का सूट पता चला क्या। आओ हाँ पता चला क्या, मैंने अभी तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, चौप अभी से मर जाएगा क्या। आए पत्थर जी नहीं यार, देखो मुझे खबर तो मिल चुकी है कि लॉस सैंटोस के जो सीक्रेट एयरपोर्ट है वहाँ पे यार उसने ये है ना हल्क जिला का सूट बनाया है। क्या लॉस सैंटोस का सीक्रेट एयरपोर्ट वो किधर है। आए पत्थर जी यार तुम्हें पता ही होगा यार, ये देखो यहाँ पे लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अरे हाँ 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 उसमें तो है। तो पत्थर जी वहाँ पे प्राइवेट हैंगर होते हैं ना, वहाँ पे यार एक गॉडजिला के बच्चे ने कोई एक्सपेरिमेंट करके खुद के लिए हल्क जिला का सूट बना लिया है। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आए पत्थर जी नहीं नहीं यार ये देखो। अरे हाँ गाइस ये देखो, ये तो एक छोटा बेबी गॉडजिला, ये क्या कर रहा है। मेरे पापा को तो यार ये ब्लैक हल्क की आर्मी ने है ना रोक लिया था लॉस सैंटोस पे कब्जा करने से, पर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं गोल्डन कलर का हूँ के लिए किसी ने मेरे पे शक नहीं किया। और ये देखो मैंने मेरे सीक्रेट हैंगर में एक इविल ब्लैक हल्क जिला का सूट बना लिया है ब्लैक हल्क की पावर्स का इस्तेमाल करके। अरे गाइस ये कि देखो इसने ये क्या किया यार, ये गोल्डन कलर का था, इसके लिए किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, सबको लगा ये तो एक अच्छा गॉडजिला होगा, पर नहीं नहीं इसने ये क्या किया। ये देखो मैंने हल्क और गॉडजिला की पावर्स को मिला के ये वाला सूट बना दिया। ये वाला सूट अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, अभी ये सूट सो रहा है, पर जब ये सूट जागेगा और मैं इसके अंदर बैठूंगा तब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा ना कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पत्थर जी अब तुम्हें पता चला लॉस सैंटोस पे कितना बड़ा खतरा आया है। अरे हाँ दद्दू हल्क बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आ गया यार ये तो। अरे तो दद्दू हल्क यार तुम इधर खड़े खड़े हाथ क्या हिला रहे हो, जाओ जल्दी से जाके लड़ाई करो उसको यार, अभी तो वो छोटा गॉडजिला छोटे फॉर्म में तुम जाके उनको मार दो ना। पत्थर जी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इंसान लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई लगा दी है यार, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। अरे पर यार दद्दू हल्क आप नहीं रोकोगे तो वो गोल्डन गॉडजिला को कौन रोकेगा, वो काले हल्क जिला में अपग्रेड हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वो तो। पत्थर जी हाँ यार मुझे पता है, पर यार अब ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। वैसे भी मैंने सुना तुम तो कासुका में डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लिए ना। अरे हाँ ज्वाइन तो कर लिए। पिंकी भाई तुम जाओ और अपना है ना काम करो। अरे पर शिनचैन मैं इतना छोटा सा फ्रैंकलिन हूँ यार मैं, ये देखो ये इंसानों से क्या तगड़ी लड़ाई करी गाइस, देख रहे हो इन सब लोगों को तो क्या बॉबी देओल की तरह टपाक 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 मारा था मैंने। पर यार मैं कोई छोटा गॉडजिला से लड़ाई नहीं कर सकता, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दद्दू हल्क आप ही करो। पत्थर जी एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक ब्लैक हल्क में अपग्रेड होने में मदद कर दूंगा तो फिर क्या तुम ये है ना काम कंप्लीट करने में मेरी मदद करोगे। अरे दद्दू हल्क ब्लैक हल्क में अपग्रेड हो जाओ तो फिर तो पक्का लड़ाई कर लूंगा यार मैं। पर दद्दू हल्क देखो यार अभी ना ही मेरे पास कोई टास्क करने का टाइम है, ना ही कोई है ना और ट्रेनिंग करने का टाइम है कि मैं अपग्रेड हो पाऊँ। सही बोला ना शिनचैन। तो हाँ पिंकी भाई अगर वो एक बार बड़ा जायंट ब्लैक हल्क जिला बन गया ना वो गोल्डन वाला गॉडजिला तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ दद्दू हल्क यार सुनो यार, तो आप ही जाके लड़ाई कर लो। पत्थर जी मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे पास एक तरीका है जैसे तुम इंस्टेंटली अपग्रेड हो जाओगे। अरे क्या तरीका है बताओ तो सरी। पत्थर जी ये लो यार 1000 ब्लैक कॉइंस। 1000 ब्लैक कॉइंस, 1000 ब्लैक कॉइंस क्या होता है, मैं ये ब्लैक कॉइंस का क्या करूँ यार, मेरे को नहीं पता इसको इस्तेमाल किधर करते हैं। पत्थर जी देखो यार जल्दी से अपना फोन निकालो और उस पर ना सीक्रेट ब्लैक हल्क की शॉप खोलो,
क्या सीक्रेट ब्लैक हल्क की शॉप? एक सेकंड गाइस, ये शॉप तो मेरे फोन में ही थी इतने टाइम से और मुझे पता भी नहीं था। आए पत्तर जी, हाँ ये ऐप सबके पास होती है यार। अरे पर एक सेकंड यार, ये क्या बता रहा है? शॉप इज लॉक्ड, कमेंट ओपन एंड लाइक द वीडियो। ये क्या हो रहा है यार यहाँ पे? आए पत्तर जी यार, ये शॉप में बहुत बार ऐसा होता है, अगर सब जन वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट सेक्शन में ओपन नहीं लिखते ना, तो ये शॉप लॉक हो जाती है। और नो गाइस, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार, ये शॉप तो लॉक हो गई है। और यार इसमें मतलब दद्दू हल्के में 1000 ब्लैक कॉइंस का इस्तेमाल करके ना खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ। आए पत्तर जी, हाँ यार ये शॉप के अंदर है ना सीक्रेट ब्लैक कॉइंस का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी से अपग्रेड कर सकते हैं। ये सीक्रेट के बारे में किसी को बताना मत, चिंचे चौप तुम भी नहीं और बच्चे जो व्यूअर देख रहे वो भी नहीं बताना। अरे हाँ हाँ गाइस, देखो यार तुम लोगों को किसी को ये सीक्रेट नहीं बताना है और ना ही हम लोग बताएंगे। पर यार अभी दद्दू हल्के किसको खुलवाए कैसे? आए पत्तर जी चलो, सब जन वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ओपन लिख दो तो ये शॉप खुल जाएगी। तो पिंकी भाई देखो, मैंने तो वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट सेक्शन में ओपन भी लिख दिया। आओ फंक बम मारने भी लिख दिया और वीडियो को लाइक भी कर दिया। लाइक करना तो एकदम फ्री होता है। अरे हाँ हाँ आई नो, लाइक करना फ्री होता है। रुको मैं भी वीडियो को लाइक कर देता और कमेंट सेक्शन में ओपन लिख देता हूँ। चलो चलो जल्दी करो गाइस, तुम लोग भी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ओपन लिख दो। आए हाँ पत्थर जी, करो करो जल्दी करो यार, इतना सा काम है। ओके ओके एक सेकंड गाइस। और ये देखो, लगता है सब जनों ने वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट सेक्शन में ओपन लिख दिया, क्योंकि यार है ना ये खुल चुकी है शॉप। अरे वाह वाह गाइस, यहाँ पे तो देखो 1000 ब्लैक हल्क कॉइंस, 10000 ब्लैक हल्क कॉइंस, 100000 ब्लैक हल्क कॉइंस और यार 1000000 ब्लैक हल्क कॉइंस के भी कितने तगड़े तगड़े खतरनाक हल्क के सूट है। आए पत्थर जी, हाँ यार मुझे पता है बहुत तगड़े सूट है इस पे। तो दद्दू हल्क यार एक काम करो ना, मेरे को ये 100000 कुरको ब्लैक हल्क के कॉइन दे दो तो मैं एक साथ ही अपग्रेड हो जाऊं। आए पत्थर जी यार, नहीं यार मेरे पास अभी 1000 ब्लैक हल्क के कॉइन्स ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, चलो गाइस यार अभी जितने पैसे उससे अपग्रेड हो जाते। ये देखो मैं जल्दी से ये 1000 ब्लैक हल्क का कॉइन्स लेता हूं, वैसे ये इनफ हो ही जाएगा गॉडजिला को हराने के लिए। ये देखो गाइस, गाइस ये देखो यार, मैं तो एक ब्लैक हल्क में अपग्रेड हो गया, जस्ट लाइक दैट। आए पत्थर जी हां, जस्ट लाइक दैट तुम अपग्रेड हो गए। और ये देखो यार, तुम एक नॉर्मल ब्लैक हल्क में अपग्रेड नहीं हो, तुम एक डायनासोर ब्लैक हल्क में अपग्रेड हुए। क्या डायनासोर ब्लैक हल्क? आए पत्थर जी हां, ये पीछे डायनासोर का पंजा नहीं दिख रहा तुम्हें? अरे क्या डायनासोर का पंजा ये? ओ माय गॉड गाइस, मतलब मेरे पास तो डायनासोर की पावर है। ये देखो मेरे पीछे डायनासोर का पंजा है, यहां पे हाथों पे डायनासोर का पंजा है, इस साइड भी पंजा है और यहां पे तो कोई एक आर्मर जैसा डिजाइन है। आए पत्थर जी हां यार, अब तो तुम काफी स्ट्रांग हो गए, जाओ और जल्दी से वो है ना गोल्डन गॉडजिला को रोको जिससे पहले वो अपग्रेड हो जाए। चलो गाइस चट्टे फट्टे करते चलते यार, वो है ना गोल्डन गॉडजिला की। तो पिंकी भाई जाओ कासुका में डिफेंस फोर्स का नाम ऊंचा करो। अरे हाँ शिनचैन, तू चिंता मत कर, इतना ऊंचा कर दूंगा ना कि भाई माउंट चिलियाड से भी ऊपर चला जाएगा। तो पिंकी भाई इतना भी ऊंचा नहीं करना था। अरे नहीं नहीं कर देंगे कर देंगे। अरे एक सेकंड, आई थिंक मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे गाइस मैप पे लगाने दो यार, मुझे ऐसे रास्ते समझ नहीं आते। हाँ ठीक है चलो इस डायरेक्शन में कूदना। गाइस वैसे देखो यार, ये ब्लैक हल्क की पावर कितनी जबरदस्त है, सिर्फ 1000 ब्लैक पॉइंट्स का ये वाला हल्का सूट है, पर इस पे देखो डायनासोर का पंजा भी, इसके कारण ये कितना फास्ट है। और गाइस देखो एक चीज और करके बताओ, ये देखो मैं मेरी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ओ माय गॉड, ये देखो यार ये डायनासोर का रेंज बूस्ट मिला। ओहो बेचारी वो गाड़ी ने क्या किया था भाई, वो गाड़ी वाला भी लाइक मुझे ये तोड़ा। कोई बात नहीं यार, अभी देखो गाइस यार यहाँ पे मैं रोड पे से दौड़ दौड़ के नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पे जोर जोर से जंप लगाना पड़ेगा। ए, कौन आ रहा है मेरी तरफ, कोई हल्का रहा है। अरे गाइस वो गॉडजिला ने ना सेंस कर लिया कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से मेरा सूट कम्प्लीट करना पड़ेगा। अरे कोई, तू तेरा सूट कम्प्लीट नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूँ तुझे रोकने के लिए। ये देखो गाइस मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। पत्थर जी हाँ, तुम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हो, जल्दी से जाके अब उसको रोक दो। अरे हाँ हाँ गाइस, पर देखो यार मेरी है ना जो बूस्ट मैंने इस्तेमाल करी थी वो उतर गई यार, क्योंकि मैं पूरा मैप क्रॉस करके आया हूँ। पत्थर जी कोई बात नहीं यार, तुम वो गॉडजिला से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें बूस्ट की जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ ये बात भी सही है, कांगे गॉडजिला। मेरा सूट रेडी नहीं हुआ है। नहीं अभी मत आना हल्क मेरे से लड़ाई करने। अरे नहीं मैं तो आ रहा हूँ, ये देखो आ गया। छोड़ दे मुझे, ये क्या कर रहा है। ओके गाइस ये देखो मैंने इसको पकड़ लिया, इसकी चट्टे फट्टे कर दूंगा। पर गाइस तुम देख रहे हो और मेरी एनर्जी लेवल काफी लो हो गई है। ये देख मैंने सूट को कम्प्लीट कर लिया, सूट जल्दी से मेरी मदद करो। अरे सूट तेरी कोई मदद नहीं करेगा, ओए अंकल साइड में हटो। अभी देखो सूट हमला करेगा तेरे पे। अरे क्या सूट मेरे पे हमला करेगा? गाइस वो सूट का जा रहा है, एक सेकंड गायब हो गया। वो सूट पूरा हो चुका है फ्रैंकलिन, तो कुछ नहीं कर पाएगा और मेरी शक्ति अभी बढ़ चुकी है। अरे गाइस अब मुझे भागना पड़ेगा। वो सूट ने अपना काम परफेक्टली किया, उस पे जब अटैक हुआ तो वो खुद को बचा के दूर भाग गया। अब देखो ये आ गया हूँ मैं मेरे सूट के अंदर जाने के लिए, हल्क जिला इधर आओ। ये देखो मेरा फाइनल रूप आ गया। ओए पत्थर जी ये क्या किया तुमने? अरे दद्दू हल्क मैंने थोड़ी कुछ किया। ओए पत्थर जी वही तो तकलीफ है, तुमने कुछ किया ही नहीं, भागो अब वहां से। भागने का टाइम गया फ्रैंकलिन, अब तू बिल्कुल नहीं बचेगा। अरे गाइस ये तो मेरे को लेजर मार रहा है, अब मैं क्या करूं?
मेरी लेजर से कैसे बचेगा फ्रैंकलिन के बच्चे, देख तेरी कैसी धुलाई कर रहा। अरे गाइस यार ये इतना बड़ा जायंट ब्लैक हल्क जिला बन चुका है और मैं अभी तक एकदम छोटा सा वही वाला हूँ। आओ जीते तो मुझे कुचल के कर दिया। फ्रैंकलिन तू तो खत्म हो गया। आए पत्ता जी फ्रैंकलिन ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम गायब हो गए। फ्रैंकलिन को मैंने मेरे पैर के नीचे दबा के पिचका दिया है, अब लॉस सैंटोस मेरे कंट्रोल में होगा, मेरे ब्लैक हल्क जिला के सूट की पावर में कोई भी नहीं बचेगा। ये लो तू हल्क एक दिन का समय देता हूँ, आओ मेरे से लड़ाई करने, अगर मुझे हरा पाए तो अपने प्यारे लॉस सैंटोस को बचा लेना, वरना पता है क्या होगा तुम्हारे प्यारे लॉस सैंटोस का। ये देखो मैं मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर से पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर दूंगा। अब हमें कौन बचाएगा, फ्रैंकलिन भैया को भी इसे दबा के पिचका के मार दिया। कोई नहीं बचा सकता फ्रैंकलिन के बिना, तुम लोग एकदम कमजोर हो। गाइस एक सेकेंड, ये देखो ये क्या हो गया, वो गॉडजिला ने मुझे अपने पैरों के पंजे के नीचे दबाया था ना, तब मैं उछल के यहाँ पे बाहर आके गिर गया था। अरे ये क्या हो गया यार, सब लोगों को लग रहा है कि मैं तो मर चुका हूँ और ये गॉडजिला देखो वहाँ पे कैसे खड़ा है, पर गाइस वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उससे भी लड़ने भी गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसने मुझे पूरा तोड़ फोड़ दिया है, तुम देख ही सकते हो मैं कितना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, सारे हाथ पैर ऊपर नीचे दाएं बाएं छिल चुके, अब मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस। अरे एक सेकंड गाइस रुको, ये शॉप खोलता हूँ, इसमें देखो यार इसमें और भी ज्यादा महंगे ब्लैक हल्क के सूट्स है जिनसे शायद मैं ये ब्लैक हल्क जिला को हरा पाऊंगा। ये देखो यार मैं $10,000 का सूट ले लूं या फिर नहीं यार $1,00,000 का, नहीं 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 $10,000,000 का सूट चाहिएगा, अगर मैं 10 मिलियन ब्लैक हल्क कॉइन वाला सूट ले लूं तो मैं पक्का लॉस सैंटोस को बचा सकता हूँ, पर गाइस मैं ये करूंगा कैसे यार मुझे नहीं पता, अभी तो देखो यार मेरे को इतनी ज्यादा लगी हुई भी है, सब जगह से खून खून हो गया। गाइस देखो एक चीज कर सकते हो, तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, एटलीस्ट जो मेरा ये वाला सूट है इसको तो मैं ठीक कर लूं, फिर मैं और ब्लैक हल्क कॉइन्स कमाने का तरीका ढूंढ लूंगा, उसके बाद ब्लैक हल्क का सूट खरीदूंगा और ये हल्क जिला को हराऊंगा। पर अभी तुम लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में हेल्थ लिखना पड़ेगा, अगर तुम हेल्थ नहीं लिखोगे तो मेरी हेल्थ यार बहुत ज्यादा कम है अभी है ना, कमजोर हो जाएगी। तुम वीडियो पे एक लाइक करोगे उससे है ना मेरी हेल्थ का एक पॉइंट बढ़ेगा और मुझे वापस से है ना मेरी हेल्थ को फुल करना है, 5000 हेल्थ है मतलब मुझे 5000 लाइक चाहिए, जल्दी जल्दी से कर दो यार वीडियो को लाइक। अरे एक सेकंड गाइस ये देखो यार मुझे लाइक आते हुए फील हो रहा है यार, मेरी हेल्थ बढ़ती जा रही है, एक सेकंड। ओके 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 थैंक यू गाइस, देखो तुम सब जनों ने वीडियो को लाइक किया ना इसके लिए देखो मेरे जो सारे घाव थे वो तो ठीक हो गए, खून वून है ना वो भी है ना चला गया है। चलो गाइस अभी सिर्फ मुझे जल्दी से ब्लैक हल्क कॉइंस कमाने जाने और वो कमा के है ना मुझे जल्दी से खुद को अपग्रेड करना है सीक्रेट ब्लैक शॉप में, लेट्स गो गाइस यार। अरे गाइस देखो मैंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी यार, पर मैं भी ब्लैक हल्क के कॉइंस लेकर कैसे आऊंगा यार, मुझे थोड़ी पता ब्लैक हल्क के कॉइंस कहां मिलते, और जब दद्दू हल्क के पास भी सिर्फ 1000 कॉइंस थे तो मैं 10 मिलियन कॉइंस कहां से लेकर आऊंगा यार, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। एक सेकंड गाइस ये क्या हो रहा है, अरे एक सेकंड ये तो लॉस सैंटोस का प्रिजन है ना। अरे हां गाइस ये देखो ये तो लॉस सैंटोस का प्रिजन है, यहां पे क्या चल रहा है। हमारा रायट फाइनली सक्सेसफुल हुआ, हमने सारे पुलिस वाले को मार दिया है और यहाँ पे हमको जो हल्क बचाने आया था हम उसकी जय जयकार करके उसकी सेना में ज्वाइन हो जाएंगे, देखो पूरा प्रिजन दबा कर देंगे और जो भी यहाँ पे आएगा उसको मार देंगे। तो अरे गाइस ये देखो ये क्या हो रहा है, ये गैंग वाले ने तो देखो यार यहाँ पे है ना क्या काम करा है भाई, इन लोगों ने हमें पूरी प्रिजन को ओवरटेक कर लिया है। अरे मैं ये चीज इग्नोर नहीं कर सकता गाइस, मुझे यहाँ पे है ना सारे पुलिस ऑफिसर्स को बचाने जाना पड़ेगा। अरे बचाओ ये गुंडों ने हमारे को ओवर पावर कर दिया है, अरे चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। अरे एक और ब्लैक हल्क आ गया है, अरे पर ये तो गुंडों को मार रहा है। अरे एक और ब्लैक हल्क आ गया मतलब क्या, यहाँ पे पहले से एक ब्लैक हल्क था क्या। अरे हम तो ब्लैक हल्क की आर्मी में है तो हमको क्यों मार रहे हो। अरे कौन से ब्लैक हल्क की आर्मी यार गाइस, ये दद्दू हल्क की आर्मी में है क्या, पर दद्दू हल्क की आर्मी में होते तो गलत क्या क्यों करे। अरे इसको भी मारना चालू करो भाई। अरे क्या मतलब इसको भी मारना चालू करो। अरे हम ब्लैक हल्क की आर्मी में काम कर रहे हैं तो हमको ही मार रहा है। अरे मेरी आर्मी कोई नहीं है और ना ही दद्दू हल्क की आर्मी है, हम लोग अच्छे काम करते प्रिजनर्स को क्यों छुड़वाएंगे। अरे मारो मारो इसको मारो। अरे हाँ मारो, ये खुद को बहुत ज्यादा शाना समझता है, ये बड़ी वाली बंदूक से मारेंगे अब। गाइस ये देखो ये क्या किया, मेरे को सुपर जंप लगा के यहाँ पे प्रिजन के अंदर आना पड़ा, या तो सब जगह इनने है ना क्या राइटिंग चालू कर दी है। रुको यार यहाँ पे मेरे को एक बहुत बड़ी हैवी गन लिखी थी, उसको मैं ऐसे नहीं हरा पाऊंगा, इसके लिए मुझे उसको पीछे से अटैक करना पड़ेगा। अरे ये तो हमारे पीछे आ गया। अरे हाँ तुम्हारे पीछे आ गया, तुम्हारा चाचा हूँ मैं। ये देखो गाइस यार यहाँ पे गाड़ी को उड़ा दिया। अरे ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पे कोई गाड़ी पे एक्सप्लोजन हो रहा है, मुझे ये गाड़ी को बाहर लेके जाना पड़ेगा। अरे ये लोग देखो एक और गाड़ी में आ गए, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लो ये ब्लैक हल्क तो कितना स्ट्रांग है, काश ये हमारी आर्मी में होता। अरे नहीं 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 तुम्हारी आर्मी में होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करता। गाइस ये देखो यार मुझे ये वाली जो गाड़ी है इसको यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा। अरे नहीं अब सब बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमारा सारा अटैक का सामान है। अरे 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 ये लो गाइस देखो इतना बड़ा एक्सप्लोजन किया। अरे बॉस को
को ही बुलाना पड़ेगा, हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इसे हरा पाए। अरे तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम लोग मेरे को हरा पाओ। ये देखो गाइज यार, यहाँ पे है ना, भले ही मैं वो हल्क जिला से हार गया, पर ये नॉर्मल इंसान मेरे कोई सामने काम के नहीं है। देखो क्या धबड़ धबड़ इन लोगों को मार रहा। अरे हाँ, ये तो बहुत ज्यादा जोर से मार रहा है भाई, इतना पीटेगा तो कैसे चलेगा। अरे प्लीज माफ कर दे हमको। अरे की माफ नहीं करूंगा, तुम लोगों ने इतने पुलिस ऑफिसर्स को मारा, ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? अरे वो हम पे जुल्म करते थे जब हम चोरी करके यहाँ पे अंदर आए थे तो। अरे पर चोरी तुमने करी ना, तुम्हारी गलती है। ये देखो गाइस, एक ही घुसंड मारी है इन लोगों को, ये सब जन भाग के जा रहे थे, मैंने सबको लिटा दिया। और ये देखो एक और मैं घुसंड रेडी कर रहा हूँ। और ये देखो कितना खतरनाक हमला किया, इनकी प्रिजनर्स की पूरी बस डिस्ट्रॉय कर दी है। यहाँ पे देखो गाइस यार, मैंने ऑलमोस्ट पूरा मैदान साफ कर दिया है। पर ये कौन से ब्लैक हल्क की बात बोले थे जो मेरे पर अटैक करने आएगा? अरे अरे सर जी, अरे सर जी आएंगे, मैं सर जी को भी ऐसे घुसा मार के भगा दूंगा। अरे सर जी आ रहे, तब तक तू ये रॉकेट था। अरे तू मेरे को रॉकेट खिलाएगा? ये देखो गाइस, इतने तेज घुसे मार मार के इन सब लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये देखो यहाँ पे घुसा रेडी किया, एक और मारा। ये लोग कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे और गुंडे कहीं पे मिले? रुको, ये गाड़ी को मैं यहाँ से साइड में हटा देता हूँ। ये लो है, तू क्या कर रहा है बुद्धू? इधर आ, मैंने यहाँ पे सारे प्रिजनर्स को छुड़वाया और तू इनको ही मार रहा है। तू कितना बुद्धू है, तुझे पता नहीं है क्या करना है? अरे ये क्या है? अरे गाइस ये तो सेवन हेड वाला ब्लैक रिवेंजर हल्क है। अरे इसको सेवन हेड कैसे मिले और इतने सारे इसके पास अपग्रेड कैसे? अरे मेरे पास तो अपग्रेड है क्योंकि मेरे पास ब्लैक कॉइंस थे तो मैंने ब्लैक शॉप से खुद को अपग्रेड कर लिया। अरे गाइस इसके पास तो कितना, $1,00,000 का सूट है यार, क्योंकि ये वाला रिवेंजर हल्क सस्ते में नहीं मिलता। रुको यार, इसके पहले गुंडों को मुझे मारना पड़ेगा और इसको ही मारना पड़ेगा। अरे तू $10,000 का भी नहीं है फिर भी तू मेरी कैसे खटिया खड़ी कर रहा है? अरे क्योंकि मैं एक अच्छा ब्लैक रिवेंजर हल्क हूँ। लड़का लोग मारो इसे, ये मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे तुम लोग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ। ये देखो गाइस, ये मेरे 1,25,000 का अटैक है। ये 1,25,000 का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखो टाई 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 सबको मार दिया मैंने। कहाँ पे? ये देखो ये बस मेरे पे हमला करेगी, ये नहीं आ गया। अरे ये देखो पैराशूट से लैंडिंग करे, उनको मार दूंगा। हाँ तू पैराशूट देखता रह गया, और तेरी धोती मैंने पीछे से खोल दी। अरे मेरी धोती खोली तुमने कि मैंने तेरी धोती खोली? ये ले 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 ये ले। हाँ कितना स्ट्रॉन्ग है तू। अरे अभी तो मैंने मेरी पावर का 10% भी नहीं दिखाया। ये देखो ये ब्लैक रिवेंजर हल्क फिर से आ गया। खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो तू खड़ा हो। ये देखो गाइस यार, अभी मैंने ना मेरा डिफेंस अटैक चालू कर दिया। अरे इतने सारा कैसे बन गया तू? अरे मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, आजा आजा दिल नहीं छोड़ते। ये देखो यार, ये यहाँ पे एक पत्थर निकाला और ये देखो इनके ऊपर ही मारूंगा मैं। हाँ तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये ले तुझ पे हमला किया, आसान है तो मेरे से 1v1 कर। अरे 1v1 करने आ गया। अरे गाइस ये देखो, मैं इससे 1v1 करने आया था और इसको लगा था कि मैं इससे कमजोर हूँ। भले गाइस देखो इसके पास मेरे से ज्यादा महंगा सूट है, पर मेरे पास अच्छाई की पावर है। तेरी अच्छाई की पावर कुछ नहीं कर पाएगी जब मैं घुसंड मारूंगा। अरे मेरे घुसंड देखे, ये ले एक बार मार दिया। अरे इसने तो बॉस को भी मार दिया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, भागो। अरे तुम लोग तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, एक एक घुसे पे हो। ये देखो गाइस इनको तो क्या खूना खान करके मार रहा हूँ। अरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये हल्क तो। गाइस ये देखो यार, इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, सोचो जब मैं और ज्यादा स्ट्रांग हूँगा तब क्या होगा। ये ले ये ले ये ले ये भी ले। अरे हम माफी मांगते हैं, हम अब हम लोग जा रहे हैं जेल में जा रहे हैं, हमको नहीं करना तुमसे लड़ाई। अरे तुम लोगों को मेरे से लड़ाई करनी नहीं करनी कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों ने इतने सारे पुलिस वालों को मारा, मैं तुम्हारी धुलाई तो करूंगा। ये लो ये लो ये लो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे फ्रैंकलिन रुक जाओ यार, बस तुमने अपना काम कर दिया, देखो तुम्हें कितनी चोटें लग गई है। अरे हाँ मुझे वापस से बहुत ज्यादा चोटें लग गई गाइस, यहाँ पे इतने सारे गुंडों से लड़ाई करी मैंने, और उसके बाद है ना यहाँ पे ये ब्लैक रिवेंजर हल्क से भी लड़ाई करी। इसके भाई 7-7 हेड थे, पता नहीं इतना कैसे अपग्रेड हो गया। पर ऑफिसर जी हुआ क्या यहाँ पे बताओ सर? अरे फ्रैंकलिन कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, पर देखो तुमने ये प्रिजन के रायट को स्टॉप कर दिया। यहाँ पे जो भी कैदी है भागे थे, हमने सबको वापस है ना कब्जे में कर लिया। अरे पर यहाँ पे ये है ना ब्लैक हल्क घुस के कैसे आ गया था? अरे पता नहीं यार, इस ब्लैक हल्क के पास बहुत सारे ब्लैक हल्क के कॉइन्स आ गए थे तो इसने खुद को अपग्रेड कर लिया, और यहाँ पे सारे कैदियों को भी थोड़े थोड़े कॉइन्स देके उन लोगों को भी अपग्रेड करवा दिया। इसके लिए उन्होंने हमारा सारा सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ दिया, पर तुम इधर आ गए और हमें बचा लिया तो बहुत अच्छा हुआ, वरना हमारी पूरी सेना मर चुकी थी। अरे रे गाइस एक सेकंड यार, तुमने बात सुनी क्या? ये प्रिजन गार्ड ने बोला कि यार इसके पास है ना वो थे थोड़े से ब्लैक हल्क के कॉइन्स। अरे बाबा जी ये हल्क मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अरे तू क्या कर रहा है बंदूक लेके? सरेंडर कर सरेंडर कर। अरे हाँ हाँ सरेंडर कर रहा हूँ सरेंडर कर रहा हूँ। तो गाइस मतलब इसके पास ब्लैक हल्क के कॉइन्स थे, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं इसकी पॉकेट सर्च करता हूँ। ये देखो मैंने इसकी बॉडी सीधी करी और रुको झुक के इसकी पॉकेट सर्च करता हूँ। एक सेकंड। गाइस ये क्या है? ओ माय गॉड, मुझे इसकी पॉकेट से 10,000 ब्लैक हल्क के कॉइन्स मिले। ओ माय गॉड बल्ले बल्ले हो गए। अरे फ्रैंकलिन तुम इसका इस्तेमाल करके खुद को अपग्रेड कर लो, जिससे तुम लॉस सैंटोस की सुरक्षा कर पाओ।
जाओ। अरे हाँ, लॉस सेंटोस की भी सुरक्षा कर पाऊंगा और तो और वो हल्क जिला से भी लड़ाई कर पाऊंगा। गाइस एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। चलो मैं कहीं पे थोड़ी सी शांत जगह पे जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा लड़ाई कर ली ना, मुझे थोड़ी शांति चाहिए गाइस यार। ये देखो, चलो यार यहाँ पे शॉप खोलता हूँ मैं। ओह नो, ये शॉप में फिर से ये प्रॉब्लम हो गई। गाइस यार देखो यार, जल्दी से तुम्हें वापस से वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में ओपन लिखना पड़ेगा। एक बार के लिए गाइस जल्दी से सब जन वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ओपन लिख दो ना, जिससे शॉप बार बार लॉक नहीं हो। चलो चलो कर दो कर दो कर दो। अच्छा अच्छा, आई थिंक सब जनों ने वीडियो को लाइक किया वापस से, कमेंट सेक्शन में शॉप ओपन किया, तो देखो शॉप खुल गई। अब गाइस ये देखो, यहाँ पे मैं खरीदूंगा $10,000 का इतना तगड़ा वाला हल्क का सूट। लेट्स गो। ओह गाइस ये देखो, मैंने नया वाला सूट ले लिया और रिवेंजर हल्क से इंस्पायर होकर मैंने भी $10,000 का थ्री हेड वाला रिवेंजर हल्क का सूट ले लिया। ये देखो गाइस यार, यहाँ पे इतना तगड़ा मेरे पास ये सूट आ चुका है। इसके ऊपर देखो कैसे यार चाइनीज में कैरेक्टर्स लिखे हुए, मतलब यार इसके ऊपर एंशिएंट रूइंस बने हुए जिसके कारण मुझे पावर मिलती है। इसके देखो पीछे भी एंशिएंट रूइंस है, ये मेरे प्रोटेक्शन के रूइंस है, मतलब चार्म्स होते हैं मैजिक के वर्ड्स के कारण मुझे बहुत तगड़ी पावर्स मिलती है। तो गाइस देखो यार, मैंने तुमको जैसा बताया कि मैं इतने खतरनाक है ना, रिवेंजर हल्क में तो अपग्रेड हो गया हूं। अभी तुम मेरी पावर्स देखना चाहोगे क्या? ये देखो, ये जो चाइनीज कैरेक्टर्स है इनके कारण मुझे लाइटनिंग की पावर्स मिल चुकी है, और लाइटनिंग की पावर के साथ साथ मुझे मिला ये थॉर का हल्क वाला हथौड़ा, मतलब यार थॉर के हथौड़े जैसा है पर यार एक हल्क का हथौड़ा। अरे बाबा, मुझे कहे तोड़ रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर यार कुछ तो गड़बड़ करी होगी तुमने जिंदगी में। ये देखो गाइस यार, यहाँ पे मैं लाइटनिंग भी मार सकता हूँ, किसी पे जिस पे चाहो उस पे लाइटनिंग मार सकता। अरे हम तो घर का बिजली का बिल भरा था भाई, हमारे ऊपर लाइटनिंग काहे मार रहे हो? अरे लाइटनिंग तो मारनी पड़ती है ना गाइस, मजा आता है। ये देखो यार, यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये देखो एक और मेरा खतरनाक अटैक करके बताता हूँ। मैं मेरे हाथों से भी लाइटनिंग छोड़ सकता हूँ। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा हाथों से लाइटनिंग ही तो छोड़ सकते कौन सी बड़ी बात है, पर नहीं गाइस, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हाथों से लाइटनिंग छोड़ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। अरे एम तो लगाना आता नहीं है, अरे तोड़ दिया। ज्यादा जबान चला रहा था गाइस, मैंने इसको सोचा था कि बक्स दूं पर इसको पक्षने का कोई फायदा ही नहीं है। और ये देखो यार, मैं जहां चाहूं ना वहां पे टेलीपोर्ट भी हो सकता हूं, जा जाके बहुत ज्यादा दूर दूर। अरे ब्लैक होल तो यहां पे हाहाकार मचा रहा है भाई साहब। अरे हाहाकार नहीं मचा रहा यार, मैं तो बस मेरी पावर टेस्ट कर रहा हूँ यार। मुझे है ना गॉडजिला से भी जाके लड़ाई करनी है और मुझे खुद को अपग्रेड भी होना है। अरे तुझे अपनी पावर बढ़ानी है तो यहाँ पे ब्लैक हल्क के मार्केट में चला जाना, यहाँ पे सब लोगों को तोड़ा फोड़ी क्यों कर रहा है? ब्लैक हल्क का मार्केट? अरे हाँ, यहाँ पे आगे बीच पे लगा हुआ यार, वहाँ चला जाना यार, तू हमको क्यों मार रहा है? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे देखो यार सच्ची में। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे देख सच्ची में ब्लैक हल्क का मार्केट लगा हुआ है। रुको, मुझे यहाँ पे उतर के देखने दो ढंग से। रुको। हाँ गाइस ये देखो यार, यहाँ पे है ना, ये देखो ये ब्लैक हल्क का पूरा मेला लग रहा है। अरे आओ आओ, फल फ्रूट खरीदो, बहुत ज्यादा सस्ते में बेचूंगा मैं, बहुत सारे फल फ्रूट खरीदो। अरे सब लोगों का फैशन स्टेटमेंट एकदम ऊपर कर दूंगा, यहाँ पे खरीदो मेरे साथ टी शर्ट और ग्लासेस। अरे मस्त मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ भाई मेरे ठेले से। आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होगा, मेरे लड़कों से बर्गर खाओ, बर्गर बहुत बढ़िया सस्ते रेट में बर्गर। अरे गाइस ये देखो, यहाँ पे तो पूरा एक ब्लैक हल्क का मार्केट लग रहा है, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें बताऊँ, ये देखो ये सारे दुकानदारों के पास है ना खुद के पास एक एक तिजोरी है। अभी ये तिजोरी के अंदर तो पक्का यार ब्लैक हल्क के पैसे होंगे, तभी तो इन लोगों ने तिजोरी में रख रखे। बाकी नॉर्मल पैसे होते तो अपनी जेब में रख लेते ना ब्लैक हल्क को, आखिर कौन ही लूटेगा। ये देखो सब लोगों ने अपनी तिजोरी रख रखी है, यहाँ पे तीन तिजोरी तो दिख गई, पर ये चौथी तिजोरी यार पता नहीं कहाँ पे गई है। चलो कोई बात नहीं गाइस यार, पर देखो यार मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर मैं ये चारों पांचों लोगों को लूट लूं तो भाई मेरे पास 1-2 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे, मतलब नॉर्मल वाले नहीं ब्लैक कॉइंस आ जाएंगे, तो फिर यार उससे मेरा काम तो बढ़िया हो जाएगा ना। चलो 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 चलो, हाँ गाइस यही करता हूँ। अभी देखो सबसे पहले है ना मुझे इसको लूटना है। अब इसको लूटने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है गाइस, देखो तुम्हें पता है क्या स्ट्रेटजी लगाई है मैंने। ये देखो यहाँ पे पीछे से मैं जाऊंगा, मैं पानी बहुत सारा है, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे जाता हूँ और ये देखो एक ग्रेनेड उठाऊंगा, इसको मैं परफेक्टली कुक करूंगा और ये इसके ऊपर फेंक दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अबे मेरे ऊपर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है क्या? अरे गाइस एकदम परफेक्टली कुक नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पे फेंकूंगा इसको, एक ही बार में गिर जाए। आई आई आई, ये देखो ये तो आउट हो गया। अरे मेरा ठेला टूट गया भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ मैंने क्या किया था? अरे इसका ठेला टूट गया, अभी देखो ये तो है ना किसी को बेचने नहीं बोलने जाएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ग्रेनेड फेंक लेता हूँ, जिससे ना ये सेफ टूट जाए। चलो 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 गाइस चलते चलते। अरे टूट जा। ये सेफ तो टूटा नहीं यार, रुको यार यहाँ पे देखना पड़ेगा। अरे मेरा सेफ तोड़ने की कोई कोशिश कर रहा है क्या? भागो। रुको गाइस एक बम यहाँ पे मार देता हूँ, वापस इसके ऊपर भी मार देता हूँ और सेफ के ऊपर भी मार देता हूँ। ये देखो, अरे बम आ गया, बम, भागो। बमबाड़ी हो रही है हमारे ऊपर तो। अरे बमबाड़ी तो होगी ना यार, ये देखो मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। ये देखो यार यहाँ पे काम करता हूँ, इसके ऊपर 2-3 बम फेंक देता हूँ, जिससे ना ये पूरा बेहोश हो जाए। अरे पापा जी,
ओके गाइस, हाँ देखो ये बेहोश हो गया। चलो ये देखो यहाँ पे है ना, सेफ भी लगता है, टूट गया। चलो इस पे सारे पैसे निकाल लेता हूँ सारे से। ओ माय गॉड गाइस, ये वाले सेफ में तो 25,000 ब्लैक कॉइन थे। ओ माय गॉड यार, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब यार मेरे को और 25-30 हजार कॉइन्स हर एक सेफ में से मिल जाए तो मेरे पास 1,00,000 ब्लैक कॉइन हो जाएंगे। फिर तो मेरे बल्ले बल्ले शावा शावा हो जाएगी। चलो यार एक काम करता हूँ, मैं वापस से ना मेरी ग्रेनेड लॉन्चर निकालता हूँ। पर गाइस ग्रेनेड लॉन्चर से मैं मारा मारी करूँ उसके बदले काम करता हूँ ना, मैं इससे जाके बात करता हूँ। हेलो जी, हेलो कैसे हो? अरे सर भी कैसे हो, बहुत अच्छा हूँ मैं तो। तुम हमारे से कोई टी शर्ट वी शर्ट खरीदना चाहोगे क्या? हाँ, तुम्हारे पास 7XL में कोई टी शर्ट है क्या? अरे साहब जी, 7XL में टी शर्ट कौन रखता है? ये तो तुम्हारा साइज इतना बड़ा है, बाकी लोगों का साइज थोड़ी इतना बड़ा होता है। अरे तुम्हारे पास एक भी टी शर्ट नहीं है 7XL में? नहीं साहब जी, कोई टी शर्ट नहीं है यार। अच्छा चलो अब ठीक है, अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास मेरे साइज के कपड़े ही नहीं है तो। अरे साहब जी सुनो, मेरी एक मदद करोगे क्या? अरे क्या मुझे चाहिए? अरे मैं यहाँ पे पहले सुसु जाके आता, उतनी देर में तुम मेरी थैला संभालोगे क्या? यहाँ पे वैसे भी बहुत भीड़ नहीं है, यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे है ना पैसों की चोरी हो जा रही है। आप भले इंसान लग रहे हो, आप चोरी नहीं करोगे? हाँ मैं बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा। चलो गाइस, इसने तो मेरे पे भरोसा कर लिया है। ठीक है साहब जी, चलो मैं सुस्तू करके आता हूँ। साहब जी आप है ना यहाँ पे ध्यान रखना मेरा है ना। ओके साहब जी, सामान का और पैसे का। ओके साहब जी। अरे हाँ बिल्कुल, ध्यान रखूंगा तेरा साहब जी। चलो गाइस ये देखो ठेला यहाँ पे मेरे भरोसे छोड़ गया, जल्दी से मैं इससे भी बम मारता। ये देखो यहाँ पे मारा, भागना पड़ेगा, पड़ जाएगा। और ये देखो यार ये भी धुआं उड़ा और यहाँ पे भी सेफ खुल गया। चलो जल्दी से इसमें से पैसे निकाल दो। बिजली उड़ाने मैं हूँ आई, पैसे मैंने चुरा लिया, बोलो मुझे हवा हवा आई, मजा आ गया। अब गाइस देखो मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे देखो आइसक्रीम वाला जो हल्क है ना यार, मेरे को आइसक्रीम खा के नहीं है, और ना ये ना इसने जो अपना सेफ है ना यहाँ पे ऊपर ही रख रखा है, मैं इसको कैसे भी ट्रिक करके है ना इसके सामने से सेफ निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो देखो मैंने क्या ट्रिक सोची है कि मैं ना यहाँ पे इसके ऊपर गैस फेंक दूंगा। अब गैस फेंक दूंगा तो ये बेहोश हो जाएगा, फिर बेहोश हो जाएगा तो मैं इसके आके पैसे चुरा लूंगा सारे। ये देखो मैंने गैस निकाल ली और यहाँ से इसके ऊपर गैस फेंकना चालू करता हूँ। ये देखो फेंकी और बिजली उड़ाने मैं हूँ आया, कहते हैं अरे बाप रे क्या हो रहा है, अरे कौन गैस फेंक जा रहा है, अरे बाबूजी। अरे गाइस ये देखो यार मैं इसके ऊपर गैस फेंके जा रहा हूँ, इसको तो कैसी खांसी छूट रही है इससे। अरे पापा जी कौन गैस फेंक रहा है भाई, छोड़ दो यार, मेरी सारी आइसक्रीम खराब हो जाएगी। बाबा जी मैं तो बेहोश ही हो गया। अरे गाइस ये देखो यार, ये तो है ना इसकी गैस से बेहोश ही हो गया ये। चलो अब जादू जल्दी चलता हूँ, मेरा ग्रेनेड निकालता हूँ, ग्रेनेड निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो। कहाँ गया ग्रेनेड यार? ये रहा। ओके ग्रेनेड निकाल दिया, अब मैं जल्दी से यहाँ पे बढ़िया सा ग्रेनेड फोड़ूंगा। ये देखो ये मैंने ग्रेनेड को लगाया और ये ग्रेनेड से इसका भी है ना सेफ खोल दिया। यार अच्छा है मेरे पास ये ग्रेनेड थे, वरना तो सेफ ही नहीं खुलता। चलो पैसे ले लिए। ओ गाइस 75,000 ब्लैक कॉइंस हो गए। 75,000 ब्लैक कॉइंस का मतलब तुम समझते हो ना यार, मेरे को सिर्फ 25,000 और ब्लैक कॉइंस चाहिए। अगर 25,000 ब्लैक कॉइंस और मिल गए तो फिर यार है ना मुझे है ना $1,00,000 वाला सूट मिल जाएगा जल्दी झड़प से। चलो चलते यार यहाँ पे। एक सेकंड, लास्ट दुकान वाले कहाँ जा रहा है? अरे यहाँ पे तो चोरी चकारी बहुत ज्यादा भड़ गई है। चलो पर एक अच्छी बात है यार, मैंने तो मेरा जो है ना सारा ब्लैक कॉइंस का सेफ था यहाँ पे साइड में सेफ करके रखा है, मतलब कोई भी उसको चुरा नहीं सकता। यहाँ पे देखो मैंने एक माइन का रास्ता बना रखा है जिसका रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है, वरना कोई भी इसके आजू बाजू आएगा तो फूट के मर जाएगा, और उसके बीचों बीच मेरे ब्लैक कॉइंस रखे हुए एकदम सेफ है। ठीक है चलो यार, मैं तो मेरी दुकान संभालने वापस से चला जाता हूँ, कोई चोरी मोरी तो कर नहीं पाएगा इसको। अरे गाइस ये देखो यार, ये क्या यार, ये वाले ब्लैक हल्क को खबर मिल चुकी है कि मैंने ना सारे बिजनेस इसके पैसे चुरा लिए। इसके लिए देखो यार इसने तो अपने सारे पैसे ना यहाँ पे ना एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रख दिए, और उसके बाद ना उसके आजू बाजू इतने खतरनाक लैंड माइंस लगा दिए। मुझे कुछ भी करके इसके पैसे चुराने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास और 25,000 रुपए नहीं है तो ये तीन लोगों की मैंने दुकान लूटी उसका कोई फायदा नहीं है। अभी रुको गाइस, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी देखो मैं इस डायरेक्शन से आऊंगा तो ये सेफ को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सब जगह लैंड माइंस है। ये वाली एंट्रेंस से यहाँ पे आऊंगा तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी सब जगह लैंड माइंस है। यहाँ पे भी साइड से करूंगा तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि लैंड माइंस है। आई थिंक गाइस ये दोनों पाइप के बीच में से जो जगह है ना, मुझे यहीं से निकलना पड़ेगा और ऐसे करके एकदम ध्यान से और ढंग से जाना पड़ेगा। हाँ गाइस देखो मेरा एनालिसिस एकदम पक्का है, मेरे को पता चल गया कि मैंने एकदम सही एनालिसिस किया है। चलो यहाँ पे मैं जाऊंगा। ये देखो एक भी लैंड माइन को टच नहीं होना चाहिए, मैंने खुद को अलाइन तो ढंग से कर रखा है ना। हाँ चलो ओ, 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 एक सीढ़ी तो नीचे उतरा। चलो और चलते
अरे अरे पैर हल्का सा माइंड पे टच हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई टच नहीं हुआ यार, कुछ नहीं होता, एकदम ध्यान से चलूंगा। रुको क्राउच कर लेता हूँ यार, मैं नहीं चाहता कि है ना मेरा पैर थोड़ा सा भी गलती से इस पे पड़ जाए। अरे बाप रे, ये वाले माइंड पे पड़ रहा था। चलो, वो ये आगे से देखने दो एक बार। अरे यार ये पैर थोड़ा टेढ़ा है, रुको यार बंदो। अरे बाप रे, उस पे पैर गिर गया था ऑलमोस्ट। अरे नहीं, बस थोड़ा सा गाइस, एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है। चलो, ओके आगे पहुंच गया। और ये गाइस ये क्या है, ये देखो ये सेफ तो खुला ही है, मतलब यार इसे तो पैसे लॉक भी नहीं करे, इसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि कोई यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। चलो सारे पैसे निकाल लिए मैंने यहां से और एक ही जंप करके मैं बाहर चला जाता हूं। ओहो लेट्स गो गाइस, ये देखो यार मेरे को क्या मिल चुके यार तुम्हारे सामने, 25,000 चार जगह से चुरा लिए, तो मुझे मिल चुके 1,00,000 कॉइंस। चलो एक काम करता हूं, ये वाली छत पे जाके ना वापस से शॉप ओपन कर लेता हूं और शॉप से 1,00,000 रुपए का वो खरीद लेता हूं, क्योंकि यार वो जो ब्लैक हल्क जिला यार वो कहीं ना कहीं पे कुत्ता कुत्ता तूफान मचा रहा होगा। पिंकी पे कहां चले गए तुम यार, तुम हमको बचाने नहीं आ रहे। अरे देखो शिनचैन रो भी रहा है गाइस, कोई बात नहीं, चलो मैं ये फोन निकालता हूं, जल्दी से शॉप ओपन कर लिया। अरे वाह गाइस देखो ये बात तो शॉप ओपन भी रह गई थी, मतलब तुम सब लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट सेक्शन में ओपन भी लिख दिया, तो उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं यार, वेरी 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 मच थैंक यू। चलो अब अपने 1,00,000 वाला सूट लेते जल्दी से। ओ गाइस मैं कहां पे गायब हो गया, एक सेकंड गाइस, ये देखो मेरे नए सूट की डिलीवरी हुई तुम्हारे सामने। और ये देखो यार, ओ माय गॉड ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हेड वाला अल्टीमेट हल्क है। उसके बाद यार इस पे के देखो कितने तगड़े टैटूज भी है, इसके कपड़े भी कितने अच्छे। ओ यार पिंकी भी आ जाओ हमें बचा लो। अरे बस शिनचैन आ ही गया गाइस, देखो यार मैंने है ना $1,00,000 का तो सूट ले लिया है, अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना, बस $10 million वाला जो जायंट सूट था वो लेना है। अगर एक बार मैं वो वाला सूट ले लूंगा तो मैं इनफ स्ट्रांग हो जाऊंगा। देखो यार मेरी पावर अभी भी कितनी बढ़ गई है। ओ माय गॉड गाइस ये देखा तुमने, मैं मेरे अंदर की सारी पावर्स का इस्तेमाल करके एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर देखो मैं अभी थक भी जाता हूँ यार, इतने बड़े ब्लास्ट करता हूँ, एक बार मैं वो 10 million वाला बन जाऊंगा ना तो मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा। यहाँ पे देखो मेरी पावर चेक करने दो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। ये देखो पूरा चार्ज करके पंच करता हूँ। अरे ओ बाप रे क्या गाड़ी को मैंने उड़ाया है। ओ यार पिंकी भाई जिंदा होते तो अभी एक कॉम्पिटिशन में जाके पैसे जीत कर आ जाते और जल्दी से है ना हम सब लोगों को बचा लेते। अरे हाँ गाइस बात सही यार, अगर मैं अभी जिंदा होता, मतलब वैसे तो मैं जिंदा हूं पर शिनचैन को लग रहा है कि मैं जिंदा नहीं हूं, तो मैं कॉम्पिटिशन में जाके जल्दी से पैसे जीत के आ जाता। रुको गाइस मैं ऐसा ही करता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं कॉम्पिटिशन हो रहा है उसके बारे में मुझे पता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ब्लैक हल्क के रिवॉर्ड मिल ही रहे होंगे। चलो मैं जल्दी से वहाँ पे चलता हूँ और वहाँ पे तुम्हें मिलूंगा, लेट्स गो गाइस। तो गाइस ये देखो यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे एक तगड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है यार, रेनबो बीरो के बीर महाधीर यहाँ पे है ना, जो बबलू पहलवान है उसने कॉम्पिटिशन करवाया, उसके लिए देखो मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया। अरे पहलवानो कहाँ पे हो सब जन, आ गए। अरे ये देखो ब्लैक हल्क आ गया, ये अब अपना कॉम्पिटिशन में भाग लेगा। अरे हाँ मैं कॉम्पिटिशन में भाग लूंगा। अरे वाह वेरी नाइस। चलो गाइस अब आएगा ना मजा, देखो क्या तगड़ा हट्टा कट्टा हल्क आ गया, काले रंग का, कितने सारे मुंह लेके। देख काले हल्क मैं समझ चुका हूँ तुझे ब्लैक हल्क के कॉइन्स चाहिए ना खुद को अपग्रेड होने करने के लिए। अरे हाँ वही चाहिए। अरे मेरे पास बहुत काला धन है तो टेंशन मत कर, देख अगर तुझे वो चाहिए मेरा काला धन तो तुझे करना पड़ेगा बबलू पहलवान का ऑब्स्टेकल कोर्स सॉल्व। अरे गाइस ये देखो चैलेंज तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अरे हाँ तुम्हें यहाँ से स्टार्ट लाइन से निकलना है और सबसे पहले ये छोटा पहाड़ लांघना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें खुद को बैलेंस करना पड़ेगा लकड़े के पतले टुकड़ों पे, अगर ये टूट गए तो तुम जाओगे सीधा शार्क भरे पानी में, दिख रही है ना वहाँ पे शार्क। अरे हाँ दिख रही है। उसके बाद तुम्हें जाना है रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ रोजेस में, इसमें से बचते हुए निकलना के लिए तुम्हें यार यहाँ पे जो दरवाजा है इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें आगे जाना पड़ेगा और यहाँ पे बैलेंस बीम से संतरे से बचना पड़ेगा और फिर पतले लकड़ों पे से ये है ना माइन घूमते हुए उससे बचना पड़ेगा। तुम जंप करके यहाँ पे आओगे तो उसके बाद तुमको एक मौका मिलेगा रुकने का, अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम आगे जाओगे और फिर तुम्हें यहाँ पे से 2, 3, 4, 5 जंप करने पड़ेंगे और जंप करते करते ये छोटे टापू तक पहुंचना है, फिर उसके बाद ये टापू पे ये लकड़ियों से बचना है, फिर एक और जंप करना ये वाली बॉलिंग बॉल्स पे, उसके बाद से जंप करके तुम्हें ये सारे रैंप कंप्लीट करने हैं, फिर अगर तुम ये सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके पहुंच गए तो ये देखो मैंने मेरा काला धन यहाँ पे छुपा रखा है, इसका इस्तेमाल करके तुम अपग्रेड हो सकते हो। अरे वाह गाइस ये देखो रैंप चैलेंज तो काफी मुश्किल है। अरे मुश्किल तो है ही बबलू पहलवान का रैंप होगा, क्या तू तैयार है फ्रैंकलिन? हाँ तैयार हूँ। तो जल्दी से जा। अरे हाँ चलो चलता हूँ। गाइस देखो अभी जैसे ही है ना मैं अपग्रेड होऊंगा ना वैसे ही तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना कि वो जो हल्कजिला है उसको मेरी पावर सेंस हो जाएगी, और यार एक बार उसको मेरी पावर सेंस हो गई ना फिर तो वो मेरे को अकेला नहीं छोड़ेगा, तो मेरे पे तुरंत अटैक करने आ जाएगा वो, और लॉस सेंटोस को भी मारने का ट्राई करेगा। तुमको याद होगा उसने 24 घंटे दिए थे दद्दू हल्क को, और अभी 24 घंटे का टाइम पूरा ही होने वाला है, इसके लिए मुझे जल्दी से खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा जिससे मैं उससे लड़ने जा सकूं और दद्दू हल्क को उससे ना लड़ना पड़े, क्योंकि दद्दू हल्क की तबीयत ठीक नहीं यार, वो काफी ज्यादा बूढ़े हो
गए, अब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है पर यार इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं एक 1 लाख डॉलर के हल्क से 10 लाख डॉलर के हल्क में कन्वर्ट हो जाऊंगा तो मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तद्दू हल्क से भी। दरवाजा खुल जा। ओके ओके ये देखो यार यहाँ पे दरवाजा भी खुल गया। अब गाइस देखो मुझे एकदम बढ़िया सा है ना यहाँ पे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी और ये संतरे नारंगी से बचना पड़ेगा, इससे अगर नीचे गिर गया तो लफड़ा हो जाएगा। आ गया। चलो एकदम है ना यहाँ पे जाता हूँ। ओके ओके आ गया और ये माइन से भी बचना पड़ेगा। बच गया। चलो गाइस फुल स्पीड है। अरे बाप रे यहाँ पे मेरा पैर स्लिप हो गया यार। फ्रैंकलिन पैर स्लिप करने के लिए बहुत जगह गलत चूज करी। हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गया। अरे फ्रैंकलिन मौका है, अभी भी पीछे मुड़ना चाहता है तो तू मुड़ सकता है। अरे नहीं नहीं पीछे नहीं मुड़ूंगा। दद्दू हल्के 24 घंटे पूरे होने वाले, क्या तुम लड़ाई करने जाओगे उससे? पुत्र जी और क्या चाह रहा है फ्रैंकलिन? पुत्र तो अब जिंदा नहीं रहा। अरे नहीं 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 मैं जिंदा हूँ। दद्दू हल्के थोड़ी देर रुक जाओ यार। दद्दू हल्के तुम तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम तो काफी कमजोर हो गए हो यार तुम्हारी उम्र के कारण। पुत्र जी पर किसी को तो लॉस सेंटोस के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी ना, वो शायद मैं ही हूँ। अरे नहीं नहीं दद्दू हल्क मैं लड़ूंगा लॉस सेंटोस के लिए। गाइस जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा कासुका में डिफेंस फोर्स का है ना, मुझे ना नाम रोशन करना पड़ेगा। हैया ये देखो यहाँ से कितना तगड़ा जंप लिया, मैं डायरेक्ट ये वाले रैंप पे आके गिर गया। चलो अब ये वाले रैंप को बस मुझे टाइम से एग्जिट करना है। ये देखो यहाँ पे पहुंच गया। ओह गाइस तुमने देखा ऑलमोस्ट वो रैंप यहाँ से निकल गया था मेरे पैर के नीचे से। चलो कोई बात नहीं, ये गोल गोल घूम रही है लकड़ियां, इनसे भी मुझे बचना है। बच लूंगा और वापस ये देखो बड़ा सा जंप लगाना है और ये है ना बॉलिंग बॉल्स के जो ब्रिज है इस पे पहुंच जाना है। चलो ये जाता है और ये देखो हाँ चलो यहाँ पे ऊपर गए। अब गाइस बस मुझे थोड़े से रैंप सी करने, उसके बाद मैं काले पैसे तक पहुंच जाऊंगा और जल्दी जल्दी से सूट ले लूंगा। और फ्रैंकलिन जल्दी कर, तेरे दद्दू तो लड़ाई करने के लिए निकल गए। दद्दू हल्क आ गए, इधर आओ मैं तुम्हें लेजर मारूं, ये लो। अरे नहीं दद्दू हल्क पे भी से लेजर जमला गया। आए नहीं यार मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। काश पिंकी बे जिंदा होते तो वो हम सब लोगों को बचा लेते। अरे नहीं शिनचैन मैं जिंदा ही हूँ। चलो गाइस ये देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये देखो यहाँ पर पहुंच गया। ओ चलो जल्दी से मैं सारे पैसे ले लेता हूँ। ओ गाइस ये देखो मैं अपग्रेड हो गया। आए पत्थर जी फ्रैंकलिन तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। अरे हाँ दद्दू हल्क मैं जिंदा। पिंकी मैं क्या तुम जिंदा हो, तुम हमें बचा लोगे? अरे हाँ शिनचैन तू चिंता मत कर यार, मैं जल्दी से 10 लाख डॉलर वाले मतलब 10 मिलियन डॉलर के हल्क में अभी अपग्रेड हो गया हूँ। मैं ये हल्क जिला को मार दूंगा। फ्रैंकलिन को तो मैंने मार दिया था, वो जिंदा कैसे हो गया? अरे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ऐसे थोड़ी मरूंगा, मरू मैं मर। आए पत्थर जी ये बेर को छोड़ के तुम्हारी तरफ आ रहा है ब्लैक हल्क जिला। अरे दद्दू हल्क तुम चिंता मत करो यार, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास 10 हेड वाला अल्टीमेट ऑल फादर पावर्स वाला दबंगल का गया है, यहाँ पे कोई भी मेरे सामने आएगा बच ना पाएगा। आए फ्रैंकलिन पुत्र क्या तुम पक्का रेडी हो ना, ये हल्क जिला बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे स्ट्रॉन्ग होगा अपने घर पे, अरे बाप रे अपने घर पे नहीं यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है। ये देखो गाइस ये आ गया मेरी मेथी मारने, पर मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इधर आ, ये तेरी लेजर से कुछ भी नहीं होगा। ये देख तूने मुझे ऐसे ही कुटा था ना। हाँ फ्रैंकलिन ऐसे ही कुचला था, फिर से कुचलूंगा तुझे। ये घुसा का, अरे मैं घुसा नहीं तू, ये घुसा का ये उठा के तुझे फेंक दिया। मुझे उठा के फेंक रहा है, टाइम वापस आएगा फ्रैंकलिन तो कुछ भी करना भी कर ले। नहीं 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 ये ले। अरे गाइस मैंने इस पर अटैक किया, ये जिसने तो अटैक ही डॉच कर दिया मेरा। आए लेजर मार रहा है, लेजर से बचना पड़ेगा गाइस। रुको गाइस इसको क्या लगता है सिर्फ इसको लेजर मारनी आती है? नहीं 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 मुझे भी लेजर मारनी आती है। ये देखो मेरे पास भी 10 लाख डॉलर की पावर्स है, ये लो। हाँ भागना पड़ेगा, फ्रैंकलिन के पास भी लेजर आ गई है और इसके बाद तो 10 मिलियन डॉलर का सूट है। हाँ बिल्कुल सही बोला, ये इधर आ तू, ये रहा। नहीं फ्रैंकलिन इतनी पिटाई मत कर भाई गरीब की। अरे कोई गरीब नहीं है तू, इधर आ यार। गाइस देखो इसने जो न्यूक्लियर रिएक्टर की धमकी दी थी ना, वो न्यूक्लियर रिएक्टर की वाली पावर मेरे पास भी है। मैं अपने अंदर का सारा गुस्सा एक ही बार में इस्तेमाल करके इसको खत्म कर दूंगा। नो पत्थर जी बहुत बढ़िया, पिंकी भाई तुमने तो कैसे कम में डिफेंस फोर्स का नाम रोशन कर दिया। ये देखो पूरे गॉडजिला की बॉडी को ये है ना इवेपोरेट कर दिया। हाँ गाइस देखो ये गॉडजिला को तो मैंने फाइनली हरा दिया और लॉस सेंटोस को बचा लिया है। अब तुम भी यार मेरे लिए काम कर दो, जैसे मैंने लॉस सेंटोस को बचाया तुम मेरे वीडियो को बचा लो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में यार मुझे है ना ब्लैक हल्क ओपी लिखा हुआ चाहिए और जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है वो भी देख लेना। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GTFA अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।